महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर अटैक, कहा हिमाचल तेलंगाना कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम, अघाड़ी मतलब भ्रष्टाचार। ये मोदी बोले कांग्रेस ने घोटालों में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जिसे संविधान की किताब बता रहे हैं वो कोरी निकली। महाराष्ट्र में अघाड़ी को उलेमा बोर्ड के समर्थन पर घमासान, अमित शाह बोले जब तक बीजेपी सत्ता में है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं। उलेमाओं की मांग पर भड़के बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कहा यह देश तोड़ने वाली मांग। जमीयत उलमाए हिंद मुंबई ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में मतदान की अपील की, कहा एमवीए में मुसलमानों का भविष्य अच्छा होगा। नागपुर में बीजेपी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बांटने वाले भी आप काटने वाले भी आप। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले भड़काऊ भाषण देकर बीजेपी मुद्दों से भटकाती है, लोगों को गुमराह करती है। ये मोदी के एक हैं तो सेफ हैं वाले बयान पर हिमाचल सीएम का तंज, कहा प्राचीन काल से हम हैं कि किसी नेता के बयान से देश नहीं कट सकता। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर उठाए सवाल, कहा मुद्दे उठाने के बजाय वो महाराष्ट्र में हिमाचल कर्नाटक और तेलंगाना की बात कर रहे हैं। झारखंड में गृहमंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार, निशाने पर रहे कांग्रेस सीएमएम, यूसीसी को लेकर झूठ फैला रहे दोनों। गृहमंत्री अमित शाह ने दिया भरोसा, आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखेगी बीजेपी। मुरादाबाद में कुंदर की सीट से सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर, पुलिस वाले से अभद्र व्यवहार का आरोप। झारखंड सीएम के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव पर आईटी की रेड, रांची जमशेदपुर समेत 9 ठिकानों पर छापा। ईडी रेड पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का अटैक, कहा किसी को लूट की छूट नहीं है, सभी सलाखों के पीछे जाएंगे। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले वीडीजी सदस्यों के परिवारों से मिले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, हर संभव मदद का भरोसा, आतंकवादियों और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा, बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान। एमपी के सीएम यादव ने कांग्रेस की तुलना में कंस से की, कहा पार्टी ने हमेशा सनातन संस्कृति का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ फैलाने का आरोप। भारत की तरफ से बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया, बोले पाकिस्तान झूठे आरोप लगाने से बाज आए, आरोप से तथ्य नहीं बदल जाए।